आज हम बात करेंगे धान की खेती को लेकर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर, जिसके तहत वैज्ञानिकों ने दिए किसानों को जरूरी दिशा निर्देश। फिर नजर डालेंगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मूंग खरीद की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर, जिसके तहत सरकार ने तारीखों में किया जरूरी बदलाव। इसके बाद जानेंगे बिहार के उस किसान की कहानी जिसने गर्मियों में गोभी उगाकर किया सबको हैरान। नमस्कार, मैं आपकी सेवक पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। जहां एक तरफ देश के कई राज्यों में किसान इस समय धान की खेती की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं कईयों द्वारा धान की नर्सरी डालने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसी कड़ी में अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने भी किसानों को 25 मई से धान की नर्सरी डालने के निर्देश जारी किए हैं। मानसून और अनुकूल मौसम की संभावनाएं देखते हुए वैज्ञानिकों ने कहा है कि किसान 25 मई से हल्दी की बुआई भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले खेत उसके अनुकूल तैयार करना बेहद जरूरी है। इसी के साथ कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की नर्सरी लगाने के लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करें उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर की तरफ से जारी वीकली एडवाइजरी में कहा गया है कि धान की नर्सरी डालने से पहले किसान खेत में सड़ी हुई गोबर का उपयोग करें। इसके साथ ही 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान की रोपाई के लिए किसान 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में नर्सरी तैयार कर सकते हैं। वहीं किसान 25 मई से देर से पकने वाली धान की नर्सरी लगा सकते हैं। लंबी अवधि वाले धान की किस्मों में राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, राजेंद्र श्वेता, किशोरी स्वर्णा, स्वर्णा सवन, सत्यम समेत अन्य किस्में हैं। धान की नर्सरी डालने से पहले बीजोपचार जरूरी है। जहां पहले ही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि की वजह से देश भर में किसानों की रबी फसल को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अब किसानों को सिर्फ जायद सीजन में लगाई जाने वाली मूंग से ही उम्मीदें बची हुई हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों से मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि किसानों से इन फसलों को खरीदने के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीखों को भी बढ़ा दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचकर लाभ कमा सके। जानकारी के लिए आपको यहां बता दें कि इससे पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 19 मई तय की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी फसल अब MSP पर नहीं खरीदी जा रही है। राज्य सरकार ने बीते सीजन किसानों के हित को देखते हुए करीब 3.5 लाख मीट्रिक टन मूंग की खरीद की थी, जिसके चलते इस साल भी सरकार पूरी कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों से मूंग की खरीद की जा सके। हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए साफ किया है कि प्रदेश में चालू वर्ष 2023-24 में मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए 8 मई से पंजीयन शुरू हो चुका है, जिसके लिए किसान अब 31 मई तक ग्रीष्मकालीन मूंग की फसलों का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश में इस समय कई किसान कृषि वैज्ञानिकों की तर्ज पर कृषि में नवाचार करते रहते हैं, ताकि न केवल खेती को एक नए आयाम पर ले जाया जा सके, बल्कि बाकी किसानों को भी अपने कारनामों से प्रेरित किया जा सके, साथ ही उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसी कड़ी में बिहार के एक किसान ने गर्मियों में गोभी का उत्पादन कर सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल पहले गोभी के लिए लोगों को 8 महीने का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इसकी खेती सिर्फ सर्दी के मौसम में ही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक पूर्वी चंपारण के किसान विजय कुमार वैज्ञानिक तरीके से गर्मी के मौसम में भी गोभी उगा रहे हैं। उन्होंने अपने 12 कट्ठे जमीन पर गोभी की खेती की है। उन्होंने अपनी 12 कट्ठे की पूरी जमीन पर FLD लगवाया है, जिसके लिए उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी गई है। विजय के मुताबिक अभी उन्होंने जो फसल लगाई है वो सिर्फ 10 दिन के बाद पककर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इसके बाद हमारे खेत की गोभी लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगी। खास बात यह है कि गोभी की खेती शुरू करने से पहले उन्होंने FLD के अंदर ही गोभी की नर्सरी भी तैयार की थी। गोभी बीज पर उन्हें 8,000 रुपए का खर्च हुआ। इसके अलावा सिंचाई और लेबर चार्ज पर भी 12,000 रुपए खर्च करने पड़े। खास बात यह है कि उन्हें अपनी फसल से बंपर कमाई होने की भी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। देश में गेहूं के दाम में तेजी देखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते में गेहूं के भाव में 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दाम में बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि किसानों ने गेहूं की उपज को रोक कर रखना शुरू कर दिया है। किसानों को उम्मीद है कि आगे चलकर गेहूं के अच्छे भाव मिलेंगे, जैसा इस बार हुआ है। इस बार साल के शुरुआती दिनों में गेहूं का दाम बढ़ा रहा, अभी भी भाव में तेजी देखी जा रही है।
सरकार ने दालों के बढ़ते दाम को कंट्रोल करने के लिए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जो भी दालें जमाखोरी करता पाया गया उस पर बड़ी कार्यवाही सरकार की तरफ से की जाएगी। भारत में 70% तुअर और उड़द की दाल इंपोर्ट की जाती है। म्यांमार से दालों का इंपोर्ट भारत में बेचा जाता है। ऐसे में सरकार ने इम्पोर्ट्स के लिए एडवाइजरी जारी कर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आज मधुमक्खी दिवस के खास मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राजा भोज कृषि महाविद्यालय वारासिवनी बालाघाट मध्य प्रदेश में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में लगभग 1000 किसानों, मधुमक्खी पालकों, प्रोसेसरों, उद्यमियों और शहद उत्पादन से जुड़े सभी हितधारकों द्वारा भी बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जहां इन दिनों किसान प्याज की गिरती कीमतों से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो वहीं टमाटर ने भी अब किसानों की कमर तोड़ दी है। हाल ही में टमाटर किसानों का गुस्सा कृषि मंडी में भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि किसान जब हाल ही में अपने टमाटर बेचने मंडी पहुंचे तो वहां उन्हें टमाटर की कीमत 1 रुपए के हिसाब से मिली, जिसके चलते उन्होंने अपना कई किलो टमाटर यूं ही सड़क पर फेंक दिया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किसानों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वो 15 जून तक अपनी गन्ने की फसल चीनी मिलों को पहुंचा सकते हैं। इस बात की जानकारी गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग के मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी ने दी है। इसके अलावा प्रदेश में योगी सरकार ने गेहूं खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहे ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।